केंद्र सरकार ने प्लान बनाया है, पहले भारतीयों को लाया जाएगा, ये प्राथमिकता भारत सरकार की तरफ से रखी गई है। अफगान हिंदू सिख भी लाए जाएंगे क्योंकि लगातार कोशिशें जारी है किसी भी तरीके से वहां पर मौजूद भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह की पूरे ऑपरेशन पर नजर है। इस वक्त की बड़ी खबर, अफगान संकट पर केंद्र ने यह नया प्लान बनाया है और प्राथमिकता यही है, जोर इस बात पर है कि पहले भारतीयों को भारत लाया जाए, अफगान हिंदू सिख भी उसमें शामिल होंगे और उसके बाद जो आम अफगानी नागरिक है उनको लेकर भारत सरकार अपने कदम उठाएगी। क्योंकि अभी तक आप देखिए 400 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हो चुकी है जिसमें अफगानी सिख और हिंदू भी शामिल हैं। और ऐसे में न्यूज 18 मनोज गुप्ता की एक खबर सामने आ रही है कि पूरे ऑपरेशन पर गृह मंत्री अमित शाह की नजर है, केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है, हालांकि भारत के साथ साथ अन्य देश भी इसी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अलग अलग विमान वहां पर पहुंच रहे हैं काबुल एयरपोर्ट पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और रोज हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ भी जमा होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कल एक भगदड़ भी वहां पर मची थी जिसमें 7 नागरिकों की मौत हो गई थी, लेकिन ये जो पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है इस पर गृह मंत्री अमित शाह की नजर है। और आपने कल देखा जब वायुसेना के विमान और इसके साथ ही साथ अलग अलग विमान जो पहुंचे थे हिंडन एयरबेस पर, तो किस तरीके से खुशी की लहर वहां पर लोगों के चेहरों पर नजर आई और लोगों ने अपनी दास्तां भी बताई कि किस तरीके से तालिबान हर एक नागरिक के ऊपर जुल्म ढा रहा है। 20 साल पहले जो तालिबान का राज था अफगानिस्तान पर वो फिर से लौट आया है। हालांकि तालिबान ये कहता हुआ जरूर नजर आ रहा है कि हम लोगों की सुरक्षा करेंगे, लोगों के अधिकार हम नहीं छीनेंगे, लेकिन रोज ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे साफ जाहिर है कि तालिबान 20 साल पहले का जो था उसका रवैया अब भी वही है। नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। नीरज, भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि प्राथमिकता हमारी भारत नागरिकों को लाने की है पहले, उसके बाद फिर अफगान नागरिकों की मदद की जाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता थी, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था, संकेत दिया गया था कि भारत की प्राथमिकता सबसे पहले उन भारतीयों को निकालने के जो भारतीय नागरिक हैं और भारत में रहते हैं और अफगान किसी काम से गए थे या करने वाले थे। देखिए, अब वहाँ संख्या भारतीयों की थोड़ी कम हो गई, बहुत लोग निकाले गए हैं, बहुत लोग रिपेट्रिएट किए गए हैं यानी खुद से भी वापस आए हैं। तो लेकिन अब भारत सरकार ने ये तय कर लिया कि पहले अपने लोगों को निकालेंगे, इसके अलावा अफगान सिख अफगान हिंदू जो है जो भारत आना चाहते हैं उनको निकाला जाएगा। एक बार कमर्शियल फ्लाइट अगर शुरू होगी तो वीजा फैसिलिटी भी भारत की तरफ से दी जाएगी। अभी वहाँ हमारा दूतावास सक्रिय नहीं है क्योंकि तमाम जो स्टाफ है वो भारत लौट आए हैं। तो भारत सरकार की कोशिश तमाम पहलुओं पे है कि किसी भी तरह से भारतीयों को दिक्कत ना हो। जी लेकिन नीरज, हम देख रहे हैं काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें भी, क्योंकि तालिबान आसानी से उन नागरिकों को तो जाने की इजाजत दे रहा है जो कि अफगानिस्तान के नहीं है, लेकिन जो अफगानिस्तान के नागरिक है, जो आम जनता है, उस पर पैनी नजर है। तो ऐसे में एक बड़े प्लान की जरूरत है केंद्र सरकार की तरफ से कि उन्हें किस तरीके से वहां से लाया जाए। देखिए, अफगान सिख अफगान हिंदू बहुत सारे आए हैं, आपने देखा होगा अभी जो भी रिपेट्रिएट किए गए हैं, इवैकुएट किए गए हैं विशेष वायुसेना के विमान से, वो लोग आए तो हैं लेकिन उनको बहुत मुश्किल से लाया जाता है। और तालिबान के लोगों की उन लोगों पे भी नजर है जिनको वो चाहते हैं कि देश छोड़ के ना जाए, तो ऐसे लोगों पे भी उनकी नजर रहती है। तो वैसी स्थिति में अगर इन लोगों को भारत सरकार या कोई भी देश बाहर निकालता, अफगान सिख अफगान हिंदू या दूसरी माइनॉरिटीज कम्युनिटी के, आपने देखा होगा कि बहुत सारे देश जो हैं अपने साथ काम करने वाले, जिन्होंने दूतावास में काम किया था, जिन्होंने नाटो फोर्सेस के साथ काम किया था, अफगानियों को ले जा रहे अपने देश में क्योंकि उनकी जान को खतरा होगा। इसलिए अमेरिका, यूके, भारत और भी दूसरे जो देश, उन्होंने ऐलान किया है कि वो शरणार्थी के तौर पे उनको स्वीकार करेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आपके पास लौटेंगे बाकी और खबरों के लिए।